सबसे पहले तो सरस्वती को नमन, जिन्होंने हम सबको वो वाक चातुर्य दिया कि आज हम यहाँ चिंतन मनन के लिए एकत्रित हुए हैं। उसके बाद मंच को नमन है और सभी श्रोता जो सामने बैठे हैं, क्योंकि आपकी भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। विषय है भारतीय साहित्य में नारी साहित्यकारों की भूमिका। सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने एक ऐसा विषय उठाया जो देखा जाए अपनी प्रकृति में बहुत संजीदा है, संवेदनशील या संजीदा। मैं इसलिए कहती हूँ कि शायद ये विचार विमर्श का विषय था ही नहीं, क्योंकि जैसा भी मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता श्री देवेंद्र जी ने कहा कि नारी जब से सृष्टि का क्रिएशन है तब से नारी का अस्तित्व है और उसे कोई दबा नहीं पाया। मेरी बहन निशा ने शुरू में नारी साहित्यकारों का विवरण देते हुए शायद ये साबित करने की कोशिश की कि बीच में मध्य युग आया जहां नारियों के अस्तित्व को थोड़ा दबाया गया, और शायद यही वजह है कि कबीर दास के साथ लोई भी बराबर की साहित्यकारा थी लेकिन कहीं भी उनका साहित्य उपलब्ध नहीं होता। जिन्होंने कबीर के साहित्य का संकलन किया वो चाहते तो लोई का साहित्य भी आज उसी तरह विद्यालयों में पढ़ाया जाता होता, लेकिन कहीं नहीं है। तो शायद जो विषय रखा गया वो इसलिए रखा गया कि जिस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है वो सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के कण कण में अपना वजूद रखती है और उसे हम चाहकर भी दबा नहीं सकते। और ये इस बात का प्रमाण है कि आज नारी के लेखनी से, नारी के क्रियाकलाप से, नारी की प्रतिभा से कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जो हाँ अछूता रह गया हो। आज धरातल से उठ के नारी ने अंतरिक्ष तक की यात्राएं की हैं, हम सब सहमत हैं। तो अगर हम साहित्यकारों की बात करें तो साहित्य मींस जो समाज के हित के लिए है, और वो जितने भी पक्ष हमारे और आपके जीवन से संबंधित हैं सब कुछ साहित्य है, सिर्फ लेखन साहित्य नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय साहित्य में नारी साहित्यकारों की भूमिका प्रश्न चिन्ह नहीं है, शायद सराहना का विषय है, क्योंकि कहीं कोई एक क्षेत्र हम में से शायद कोई सोच कर भी निकाल नहीं पाएगा जहां नारी ने अपनी प्रतिभा से अपना साम्राज्य स्थापित ना किया हो। तो विषय को बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपने विचार रखते हुए मैं ये कहूंगी कि नारी के उत्थान से, नारी की गति से सब परिचित हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस गति से नारी बढ़ रही है वो नारी की मंजिल नहीं है, गति है, आगे आगे देखिए होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आदरणीय बहन कुसुम श्रीवास्तव जी। चूंकि हमारे समारोह के मुख्य अतिथि को निकलना है, लेकिन मैं केवल 10 मिनट का उनसे मांग रहा हूँ कि केवल 10 मिनट मुझे देते हैं। और इसी बीच अगले वरिष्ठ वक्ता के तौर पर आदरणीय मानस रंजन महापात्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए, आप NVT में भी बड़े उच्च पद पर रहे हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी बाल साहित्य में आपका बहुत बड़ा काम है। आदरणीय मानस रंजन महापात्र जी। सम्मान्य मंच और मित्रों, समय बहुत कम है, हम ऐसे दौर पर गुजर रहे हैं। आज सवेरे में जब अखबार खोला तो पढ़ा कि नयनतारा सहगल को महाराष्ट्र में कोई साहित्य सम्मेलन में बुलाया गया था और वो सम्मान, वो जो निमंत्रण है, आमंत्रण है, उसको वापस ले लिया गया। आप देखिए, देश में हम आजकल काफ़ी वक्त बात कर चुके हैं। कुसुम जी का बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। नयनतारा सहगल का एक उदाहरण दिया, लक्ष्मी लंकेश, गौरी लंकेश। मैं तो गौरी लंकेश को पर्सनली भी जानता हूँ, लंकेश जी हमारे मित्र थे और उनका जो मर्डर हुआ आप सब जानते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं साहित्यकारों का भूमिका। मैं दो तीन चीज़ आपको बताना चाहूँगा।
आपने उमराव जनादा फिल्म देखा होगा, आप जानते हैं इस कोठी में जो नाचने वाली ये सब कवि थे, ये सब गीतकार थे, ये खुद गीत लिखते थे। मैं एक बार ललित पसंद गया था, पट्ट जोशी जी मैं कह रहा था, आप गलत जब आप बार बार बोल रहे थे, पट्ट जोशी मीन्स ये मुख्य चीफ प्रिस्ट है पट्ट जोशी। तो संबलपुर में एक जगह है, एक अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसका नाम है देवगढ़, और देवगढ़ एक प्रिंसली स्टेट था, वहाँ का राजा थे महाराजा सार वासुदेव सुढ़ल देव। वहाँ उन्होंने एक पैलेस बनाया, उसका नाम है ललित बसंत। मैं एक बार देखने के लिए गया था, ललित बसंत का दीवार में कविता लिखा हुआ है, कवि के नाम नहीं, सब महिलाएं थी। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि रिकॉग्निशन का जहाँ तक बात है, हम तो उन्हीं का बात करें जिनका नाम आया है, हम उनका बात करना चाहिए जिनका नाम नहीं आया है। हमारे सामने ऐसे करोड़ों महिलाओं का नाम नहीं आया है जो कि लेखिका थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान था। अभी मैं कुछ साल पहले, मेरे एक दोस्त उनका बेटा ने एक लड़की को शादी किया जो कि हमारा, आप लोग अगर पुरी की तरफ, मैं पुरी से हूँ, पटचित्र वहाँ बनता है पुरी से कुछ दूर, मेरा गांव भी वहीं है, तो उस गांव में रघुराजपुर, वहाँ का एक लड़की को, रघुराजपुर तो थोड़ा सा नदी के अंदर है और मेन रोड में एक दांडा साहिब भी है, वो भी रघुराजपुर का हिस्सा माना जाता है, वहाँ का एक लड़की को शादी किया, तो उसमें अखबार में आया ये पहली महिला है जो कि पटचित्र बनाती है। मैं आपको बताऊं, मैं तब उसका विरोध भी किया था, अखबार में भी लिखा था, महिलाएं जो पटचित्र बनाने का जो परंपरा है उस गांव में वो 500 से ज़्यादा साल पुराना है। पुरुष लोग जब काम करते थे तब महिलाएं घर में ही पटचित्र बनाते थे, ऑयल पेंटिंग करते थे, उनका कोई नाम नहीं है, बेनाम महिलाएँ हैं। ऐसे हमें कोशिश करना पड़ेगा कि उनका रिकॉग्निशन का जहाँ तक बात है, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े लेखिका आ गए हैं और उनका सम्मान तो हम करते हैं, लेकिन एक चीज़ में दुख के साथ कहूँगा, स्त्री विमर्श जो है ना वो एक राजनीतिक स्लोगन बन गया है, राजनीतिक प्रचार बन गया है, ऐसे कुछ होता नहीं है। हम उनका रिकॉग्निशन के लिए अगर कुछ काम करें तब लगेगा कि हम महिला साहित्यकारों का सम्मान कर रहे हैं। समय कम है, मैं सोचा ये सवाल, एक दो और भी मन में था, महिलाओं का जो एजुकेशन का बात हम करते हैं, आप लोगों में कई लोगों को शायद मालूम नहीं है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में सिर्फ 100 साल पहले महिला को ग्रेजुएशन में पढ़ने का मौका मिला था, उससे पहले ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे थे। हम कह रहे हैं कि अंग्रेज लोग बहुत आगे थे, लेकिन ऐसे नहीं था, जो प्रगति हुई है उस मामले में उड़िया साहित्य में हम लोग बहुत शुरू से, महिलाएं बहुत बड़े बड़े लेखिकाएं हैं, श्री चैतन्य के समय में माधवी दासी और वृंदावती दासी ये बहुत बड़ी लेखिकाएं थे, और जैसे बहन हमारा आसाम का, उन्होंने कहा, उन्होंने तो नंदिनी साहू, ये सब आज का सरोजिनी साहू आज का हमारे समकालीन लेखक हैं, बच्चे हैं बल्कि नंदिनी साहू, लेकिन आधुनिक काल में उड़िया साहित्य में कुंतला कुमारी साबत, उन्होंने बहुत, वो हिंदी और उड़िया दोनों में लिखती थी, और ऐसे कई महिलाएं हैं जिनका चर्चा नहीं होता है, जिनके बारे में ज़्यादा शोध नहीं होता है। हम भाषण तो बहुत बात दे देते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि उस विषय पर हम वो जो अनजान लेखिकाएं हैं उनके बारे में भी कुछ शोध करें, और जो लेखिकाएं हैं जिनके बारे में शोध नहीं हुआ है उनके बारे में शोध किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जब सवेरे रीता जी ने कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मैं, आप कह रहे थे ना, मैं पिछला 3 साल में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का निदेशक था, 4 दिन पहले मैं रिपेट्रिएट होके आया हूँ। अच्छा है कि मुझे पहचान लेते हैं लोग कि मैं कभी नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर का हेड हुआ करता था, और अभी मैं फिर आप लोगों के बीच में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मानस नंदन महापात्रा जी। दूरियाँ पैमानों में हुआ करती हैं, दिलों में नहीं हुआ करती। आभार, विशेष आभार, आप आए और आपने हमारी बात को रखा और हम अपने वचन को रखा। क्योंकि अभी
समारोह को हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव जी संबोधित करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार किशोर द्विवेदी भी संबोधित करेंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि विजयी फाउंडेशन की अध्यक्षा सर्वे सर्वा और जिन परिस्थितियों में आप हम सभी जानते हैं, हम सभी कार्यक्रम कराते हैं, प्रेम कुमार प्रेम जी बैठे हैं, बबी दीदी बैठी हैं, अशोक कश्यप जी बैठे हैं, रेखा गुप्ता जी, अशोक आशीष जी, बहुत सारे काजल चौबे जी बैठी हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि कार्यक्रम किस स्थिति में कैसे होते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल सी चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि चूँकि आदरणीय किशोर द्विवेदी जी अपना उद्बोधन करें, उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए रीता जी को चाहूँगा कि आप मंच पर आएं और 2 मिनट की समय सीमा की अवधि का पालन करें। जी रीता पात्रा जी। जी रीता जी नमस्कार। जय जगन्नाथ। आदरणीय मंच और सभी अतिथियों को मेरा नमन, और नीचे बैठे हैं श्रोता जन को मेरे नमन। एक हमारा उड़िया में कहावत है, निकिति तौल भारी हुए जे सान्ना बड़ो को भारी हुए जे रहे तड़ को, मान जो नीचे जो लोग रह जाते हैं वो भारी होते हैं, तो फिर श्रोता ही बहुत बड़े हैं लोग हैं। इसीलिए हमारा जो निकिति में जो होते हैं ना, ऊपर बैठने वाले अतिथि तो अलग होते हैं, मगर नीचे बैठने वाले सारे जो श्रोता होते हैं उनकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेस होता है। आज मैं एक नारी वुमेन्स को डेवलप करने के लिए कितना चाहती हूँ, हर वक्त मेरा एक समाज सेवा के लिए लेडीज़ के प्रति मेरा जितना कर्तव्य। मैं कल भी एक मेट्रो में आते आते देखा तो एक लेडीज़ का खून भर रहा था, मैं उसको जानती नहीं, मगर मेरे अंदर से मैंने कैसे लगा मुझे, मैं खुद को भी रोक नहीं पाया, रोने लग गई, मैंने उसको खून को देखे मैं रोने लगी, उसका हाथ कुछ हुआ था। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, हम आज साहित्यकार के लिए बोल रही, एक कलम कुछ भी कर सकता है, और चंद्रमणि सर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और मैंने उनको तो मेरे जिंदगी का गुरु भी माना हूँ। मैंने एक मैं सच्ची ये मेरे दिल से भी है सर, एक शायद सर के पास बहुत नॉलेज है क्योंकि मैं उनको प्राय बहुत कुछ सुनती हूँ, और नॉलेज मैं उनको बोलती हूँ, शायद आप सर अगले जन्म में आप IAS या IPS होके आएंगे, इस जन्म में नहीं होते, बहुत सारी अच्छी अच्छी बात सुनती हूँ। और साहित्यकार के लिए जो महिला साहित्यकार के आज जो जो सब्जेक्ट मुझे सर ने दिए हैं, ये मैं बोले हैं, देखो लेडीज बहुत कुछ करती है घर के अंदर और कलम भी बहुत कुछ लिखता है, मगर जो सर ने बोले अभी जे मानस सर ने बोले जो पूरी की जो है पटचित्र बनाने वाले, उन कलाकार को भी हम आगे लाएंगे सर, ऐसा नहीं है विजयनी फाउंडेशन भी कभी जाए और ओडिशा में प्रोग्राम करें और वो लिख वो जो चित्रकार के ऊपर कुछ लिखा जाए और उनको आगे लाए, उनको रिवार्डेड मिले, मेरा ये बड़ी मेरे नहीं है, हम सब विजयनी के जितने सदस्य हैं हम सब चाहेंगे ये हमारा माध्यम से हो, और ये मेरा कोई फंक्शन नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरे भैया सब बैठे हैं, दीपक जी जैसे मेरे भैया है और किशोर द्विवेदी जी मेरे भैया है, भैया से सुने तो बड़ी बात है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहीं पर खड़ी हूँ, बस उनको सुनूं, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गीता जी। विशेष आभार, चूंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम छड़ों में हैं, आदरणीय किशोर द्विवेदी जी को सुनना और इनके लिखे को पढ़ना, हालांकि मैंने तो रीता जी के मार्फत ही आपका उड़िया भाषा का अनुवाद सुना है और पढ़ा है जो हिंदी भाषा में उन्होंने बताया। हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय किशोर द्विवेदी जी हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे अनुरोध पर उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि जैसे भी और जितना भी समय मिलेगा मैं समारोह में उपस्थित रहूंगा और अपनी उपस्थिति दूंगा। क्योंकि हमारे समारोह के मुख्य अतिथि बोले, उससे पूर्व मैं आदरणीय किशोर द्विवेदी से
विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप माइक पर आए और आज के विषय वस्तु के बारे में अपने बुखार बिंदु से दो शब्द बोलकर हमें लाभान्वित करें। आदरणीय किशोर द्विवेदी जी, नमस्कार। माफी चाहता हूं, मेरा थोड़ा लेट हुआ। मंचासन अतिथिगण, शायद काफी लोगों में पर्सनली जानते हूं, और आप सुदीप ब्रह्म, ये जो टॉपिक चुना गया, मैं इसलिए आभारी हूं ब्रह्मदत्त साहब और रीता जी से। आज तक इन्होंने जो सोशल सर्विस कर रहे थे, पहले बार बढ़िया बढ़िया काम किया है, ये सृजनशील काम किया है और एक कॉज को आगे बढ़ाया है। ये जो बुक फेयर के अंदर ऐसे अच्छा टॉपिक लेना और ऐसे सेमिनार करना बहुत बढ़िया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को पता है, नारी और नर, भगवान जैसे अर्धनारीश्वर भी थे, ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंटिंग इच अदर। ये जो बैठे हैं थोड़ा ऊपर और नीचे भी, शायद नारी थोड़ा कम है, नर ज़्यादा है, इससे पता चलता है कि ये कॉज को प्रमोट करने के लिए नर लोगों का भी काफ़ी अच्छा है, योगदान है। दूसरा, अब प्रैक्टिकल होंगे, जैसे दीपक जी बोल रहे थे, नारी को आगे लेने के लिए नर की काफ़ी योगदान है, अवदान है, सेक्रीफाइस भी होगा। ये युग जो चले आ रहे हैं, अभी युग में अभी ये रीता को प्रमोट करने के लिए तो हमारा नाम बोल दिया, लेकिन उनका हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, अमूल्य को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और उनका बेटा आदित्य, ये दोनों का जो सेक्रीफाइस रीता को आगे बढ़ाने के लिए, ये सराहनीय है। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल। आपने आज देखा होगा इंडिया को जो आए हैं नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर, आपका जर्मनी चांसलर या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सब नारी है। इनका क्रिएटिविटी भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, सब में योगदान है। और ये सिलसिला जो जो चला आ रहा है और आगे भी बढ़ा रहेगा, सारा जगह में कोई भी नर हो या कवि हो, बड़ा कवि हो, उनको प्रमोट के लिए, प्रमोशन के लिए, या हो सकता है उनका बीवी या कोहोट फ्रेंड का योगदान बढ़ा रहा होगा। उड़ीसा से आपने जाने होंगे सबसे बड़े बड़ा कवियत्री अभी जो कैंपेट में है, प्रतिभा राय, मैंने पर्सनली जानता हूँ, उनका हस्बैंड से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इरीगेशन में, अक्षय राय, ही हैज़ द हाइस्ट सेक्रीफाइस टू प्रमोट हर। इनका जितना वो लिखते थे पहले पब्लिश करने के लिए उनका मुश्किल होता था, इट वॉज अक्षय बाबू हु वॉज प्रमोटिंग एंड पब्लिशिंग हर बुक्स, और आफ्टर दैट वो जैसा ट्रांसलेशन हुआ, फिर वो आगे आए और सबका नज़र में आए, और इंडिया का भी जाने माने राइटर हो। इसीलिए जो नर हो, नारी हो, कवि हो या कवयित्री हो, इट्स जस्ट इंटरैक्टिंग, इंटर कॉम्प्लीमेंटिंग, किसी को प्रमोट के लिए इनका बीवी या किसी कवयित्री को प्रमोट के लिए इनका हस्बैंड का योगदान बहुत बड़ा है। जैसे दीपक बैठा है, दीपक एडिटर है, उनका मिसेस भी बैठा है, ही नोज उनका दोनों बेटा बेटी और मिसेस का कितना योगदान है। दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल, वी कैन गो अवे फ्रॉम दैट। और एक चीज आखिर में, ये जो टॉपिक है आपका महिला सौजन्य, जिस चीज महिला साहित्य का करते बाद में जिस सिलसिला कर रहा बोल रहा था, हमारा बहुत बड़ा कवि होते थे भक्त कवि जयदेव, जयदेव जी ने एक दिन लिख रहे थे और इनको कुछ अटपटंग लगा, मूड ठीक नहीं था, एक लाइन लिख रहे थे, वो एक लाइन आ नहीं रहा था, इट वॉज नॉट कमिंग अप, दैट क्रिएटिविटी वॉज नॉट कमिंग अप। तो इन्होंने व्यस्त होके, टाइम ज़्यादा जा रहा था, वो नहाने के लिए चले गए। इसी टाइम उनका बीबी पद्मावती है, शंबड़ी केम बड़ी मन, फिर जयदेव वापस आए और वो लाइन लिख के चले गए। ये भगवान ने आए, जब जयदेव खुद आए बाद में बोला कि अब नहीं, इन्होंने पद्मावती बोला कि अब तो नहाने के जाए, तो अभी तुरंत क्यों से, नहीं नहीं तो अभी याद आ गया, मैं लिख के फिर जाऊँगा नहाने के। जब जयदेव खुद वापस आए तो
तो देखा वो लाइन भरा हुआ है, एंड उन्होंने बोला सी मैंने भगवान को देखने पाया, तुमने पद्मावती भगवान को देखा, मैंने इतना कोशिश किया, यू आर सीन और तुम्हारा सामने उन्होंने लिख किया गया, शायद इफ आई एम करेक्ट उन्होंने लिखा था दही पद बल्लभ उदारम, दही पद बल्लभ उदारम, जो लिख नहीं पा रहे थे जयदेव, कृष्ण ने बोल रहा कि राधा का पैर मेरा ऊपर है, तो भगवान ने भी चाहता था कि अपना जो प्रेमिका है या अपना जो शक्ति है या जो भी है वो उसका पैर ऊपर रहे, ये हमारा संस्कार।